कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिले में अभी तक 17 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं बचे हुए लोगों को टीका लगाने के लिए सोमवार को प्रशासन द्वारा कोई न छूटे अभियान चलाया गया, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में 128 और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 टीकाकरण केंद्रों में कोरोना के टीके लगाए गए। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किए जा रहे भारत बंद के मद्देनजर जबलपुर रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नए कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया और जबलपुर में भी इसका असर देखा जा रहा है, लिहाजा ट्रेनों को रोके जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसको देखते हुए आरपीएफ जीआरपी ने सिटी पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए रेलवे स्टेशनों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को किया गया भारत बंद का आह्वान जबलपुर में बेअसर रहा। शहर के तमाम मार्केट खुले रहे, वहीं सिविक सेंटर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन किसान नजर नहीं आए। आधारताल कंचनपुर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के लोगों ने पुलिस कप्तान कार्यालय पहुंचकर भू माफिया डीएम मंसूरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। शिकायत करने वालों का कहना है कि बिल्डर ने एग्रीमेंट करते हुए लाखों करोड़ों रुपए हड़प लिए, लेकिन प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं करवा रहा। सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सदर में एक ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा युवाओं ने उत्साहित होकर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान किया। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में समाज सेवियों द्वारा चलाए जा रहे हेल्पलाइन सेंटर को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। समाज सेवियों का कहना है कि पीड़ित मानवता की सेवा का ये क्रम लगातार जारी रहेगा जब तक मुसीबत पूरी तरह टल नहीं जाती। आरपीएफ का 37वां स्थापना दिवस रेलवे स्टेडियम में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित परेड भी आयोजित की गई। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने संविदा में नियुक्ति किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर मिशन कंपाउंड सिटी सर्किल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल शुरू कर दी। धन और वैभव प्रदान करने वाली मां लक्ष्मी की आराधना का महापर्व महालक्ष्मी मंगलवार को भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। बाजारों में हाथी पर बैठी महालक्ष्मी की प्रतिमाओं को खरीदने के लिए व्रतधारी महिलाओं की भीड़ उमड़ रही। रामपुर मांडवा में स्थित एक दुकान पर कब्जा किए जाने की शिकायत पर प्रशासनिक अमले ने दुकान का कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान गोरखपुर तहसीलदार सहित निगम एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बड़ा फुआरा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठप होने का आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा लगाए गए डस्टबिन कुछ स्थानों से हटा दिए गए हैं, जिसके कारण कचरे के ढेर लग रहे हैं और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। धनवंतरी नगर से लापता हुई युवती का पता लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा से शिकायत की है। ये मामला लव जिहाद का है, इस पर गंभीरता बरती जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर की टीम ने सोमवार को भोपाल में सहारा इंडिया के मुख्यालय में दबिश दी। जबलपुर में दर्ज धोखाधड़ी के मामलों में जांच के लिए टीम भोपाल पहुंची थी, जहां एमपी नगर में स्थित सहारा के मुख्यालय में छापा मारकर निवेशकों से जुड़े दस्तावेजों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इससे करीब 11 दिन पहले ईओडब्ल्यू की टीम ने जबलपुर कटनी स्थित सहारा के कार्यालय में दबिश दी थी। अब तक ईओडब्ल्यू के सामने 25,000 से ज्यादा निवेशकों के 250 करोड़ रुपए फंसे होने की जानकारी सामने आई है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका इस बुलेटिन के साथ। मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन के तहत 27 सितंबर को किए गए भारत बंद के आह्वान को लेकर रेलवे स्टेशनों पर बढ़ा सुरक्षा पहरा। आरपीएफ ने बढ़ाई रेलवे स्टेशनों पर चौकसी। किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा किया गया भारत बंद का ऐलान जबलपुर में बेअसर रहा। शहर के सभी मुख्य मार्केट रहे ओपन। सभा स्थल पर भी किसानों की जगह कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता ही नजर आए। जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने सहारा इंडिया के भोपाल स्थित जोनल कार्यालय में मारा छापा। जबलपुर और कटनी के निवेशकों की शिकायत पर जबलपुर में दर्ज किए गए धोखाधड़ी के मामले में दस्तावेज जब्त करने के लिए भोपाल पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम। और आधारताल के एक बिल्डर के खिलाफ लोगों ने पुलिस कप्तान से की शिकायत। पैसे वसूलने के बाद भी बिल्डर नहीं कर रहा जमीन की रजिस्ट्री। जनता कर रही भू माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की मांग।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिले में अभी तक 17 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं बचे हुए लोगों को टीका लगाने के लिए सोमवार को प्रशासन द्वारा कोई न छूटे अभियान चलाया गया, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में 128 और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 टीकाकरण केंद्रों में कोरोना के टीके लगाए गए। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन की मदद से भी टीकाकरण किया गया। कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को जिले में कोई न छूटे अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में 128 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 200 वैक्सीनेशन सेंटरों में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जिला टीकाकरण अधिकारी SS दाहिया ने बताया कि 75 मोबाइल वैन भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान का हिस्सा बनाई गई हैं और उनमें भी कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में वोटर लिस्ट के आधार पर 17 लाख लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं, जबकि शेष लोगों को टीके लगाने के लिए आज ये महाअभियान चलाया गया है। हम बहुत जल्द ही अपने जो टारगेट के करीब पहुंच रहे हैं। आज कोशिश करेंगे, आज जो हमारा जो अभियान चल रहा है कोई न छूटे अभियान, जो लोग किसी कारणवश छूट गए हैं कि कहीं बाहर चले गए या गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित थे या शिफ्ट होके अभी आए हुए, उन सबके लिए आज का अभियान हमारा बहुत मायने रखता है, जिसमें हमने लगभग 128 सेंटर जौनपुर में बनाए हैं और 200 के लगभग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। जो मोबाइल लगभग हमारी 75 टीमें मोबाइल जो घूम घूम के वैक्सीनेशन कर रही हैं, इसी प्रकार हमारा जो फिक्स सेंटर है वहाँ पर आएंगे लोग, वहाँ फर्स्ट सेकंड दोनों डोज हमारे लगाए जा रहे हैं। दोनों वैक्सीन उपलब्ध है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा आम जनता को कि सभी लोग पहुंचकर वैक्सीनेशन कराएं, जिससे हम कोरोना मुक्त हो सकें। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि इस अभियान का मकसद जिले को 100% वैक्सीनेटेड जिला बनाना है। उन्होंने बताया कि पूर्व में चलाए गए अभियान के दौरान गंभीर रूप से बीमार और वैक्सीनेशन सेंटर तक आने में असमर्थ बुजुर्ग और व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगा पाए थे, लिहाजा उनके लिए कोई न छूटे अभियान चलाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किए जा रहे भारत बंद के मद्देनजर जबलपुर रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नए कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया और जबलपुर में भी इसका असर देखा जा रहा है, लिहाजा ट्रेनों को रोके जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको देखते हुए RPF GRP ने सिटी पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए रेलवे स्टेशनों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किए जा रहे भारत बंद के आह्वान पर जबलपुर में भी किसान और अन्य संगठन लामबंद हैं और उनके द्वारा बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं रेल रोकने के भी प्रयासों की संभावना को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत जबलपुर रेलवे स्टेशन सहित अन्य रेलवे स्टेशन और रेलवे फाटक पर GRP और RPF के अमले को तैनात किया गया है और निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। RPF कमांडेंट अरुण त्रिपाठी ने बताया कि बंद के दौरान किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लिहाजा एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसान आंदोलन पूरे इंडिया में है और इसके लिए हम लोग एकदम चौकस और तत्पर हैं। GRP, सिटी पुलिस और RPF सभी ने मिलकर कोऑर्डिनेशन किया हुआ है और एक मिल के कार्रवाई कर रहे हैं। सिटी एरिया में भी रोकने की कोशिश हो रही है। ट्रैक्स जो LC गेट्स हैं, जहां से लोग यात्री गाड़ियों और पैसेंजर गाड़ियों का आना जाना है, उन सब पे वहां पे भी क्या बोलते हैं देखा जा रहा है। साथ में स्टेशन एरिया में भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं, बंदोबस्त हमने लगा के रखा है और जो भी इस तरीके के सेंसिटिव एरिया हैं जहाँ पे कुछ पूर्वानुमान है उन सब जगहों पे अतिरिक्त बल भेजा गया है और एक हम मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि RPF कमांडेंट अरुण त्रिपाठी का कहना है कि जबलपुर में शांतिपूर्ण ढंग से बंद के आंदोलन आयोजित हुए हैं और इस दौरान रेल रोकने के प्रयास नहीं किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेल प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लिहाजा रेल महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को किया गया भारत बंद का आह्वान जबलपुर में बेअसर दिखाई दिया। शहर के तमाम मार्केट खुले रहे, वहीं सिविक सेंटर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन किसान नजर नहीं आए। देश में किसान आंदोलन चला रहे किसान संयुक्त मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन जबलपुर में बंद का असर नहीं दिखाई दिया।
भारत बंद के नाम पर कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा सिविक सेंटर में देखने मिला, लेकिन आसपास के ग्रामीण इलाकों से किसान इस धरना स्थल तक नहीं पहुंचे। आम आदमी पार्टी के 10-12 कार्यकर्ताओं ने एक दो स्थानों पर रैली निकालकर बंद की अपील जरूर की, लेकिन व्यापारियों पर उसका कोई खास असर नहीं रहा। शहर के सभी मुख्य मार्केट दिन भर खुले रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका ये बंद सांकेतिक है, व्यापारियों पर दबाव बनाने की मंशा नहीं है, क्योंकि व्यापारी पहले से ही परेशान हैं। को दो प्रकार की मार व्यापारियों के सामने मार पड़ी है। एक अर्थ का नुकसान तो लॉकडाउन था और दूसरा मोदी जी की गलत नीतियों के कारण हमारा जो है वो इनको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ऐसे अर्थव्यवस्था के कारण हम लोगों को कई बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जो दुकानदार है वही कहीं किसान भी है, वो जो किसान है वही वो दुकानदार है। बंद का जो आह्वान है देश की गूंगी बहरी सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाने का एक माध्यम है, ना कि आम जनता को परेशान करने का कोई रास्ता। हालांकि किसान संयुक्त मोर्चे के कुछ सदस्य बंद को सफल भी बताते रहे। हमारी मांग सबसे पहले तो ये है कि जो तीनों कृषि बिल हैं वो निरस्त किए जाए और MSP को कानूनी अधिकार दिया जाए, ये प्रमुख मांग है। और किसान इसके लिए 10 महीने से बैठे हैं बॉर्डर पर, राजधानी की बॉर्डर पर, और उनके साथ पूरी जनता पूरी आत्मा के साथ उनके साथ है। कहाँ कहाँ से किसान आए थे, कितने किसान यहाँ आए? आज सिहोरा से हमारे संतोष राय जी के नेतृत्व में और मजोली से और पनागर से तमाम किसान आ रहे हैं और लगभग सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज यहाँ पे सभा का जो क्रम चल रहा है लगातार हम लोग यहाँ पर एकजुट है। सिविक सेंटर में जिस सभा की बात की जा रही थी उसमें भी बामुश्किल 70-80 लोग ही शामिल हुए। आधारताल कंचनपुर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के लोगों ने पुलिस कप्तान कार्यालय पहुंचकर भूमाफिया DS मंसूरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत करने वालों का कहना है कि बिल्डर ने एग्रीमेंट करके लाखों रुपए हड़प लिए लेकिन प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। प्रदेश सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा चलाई जा रही माफिया दमन कार्रवाई जनता को राहत प्रदान कर रही है, इसलिए माफियाओं के खिलाफ लगातार शिकायतें प्रशासन के पास पहुंच रही हैं। इसी क्रम में आधारताल कंचनपुर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से SP ऑफिस पहुंचे लोगों ने पुलिस कप्तान को पत्र सौंप कर बिल्डर DM मंसूरी के खिलाफ भू माफिया की कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि बिल्डर द्वारा पैसे लेने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। आज पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास आए हैं, भू माफिया DM मंसूरी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि लगातार प्रशासनिक को अभी ये 15 दिन पहले भी हम लोगों ने जाके ज्ञापन दिया है, पर अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भू माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमको ये लगता कि प्रशासन बिल्डर से डर रहा। आज हम मांग कर रहे हैं SP साहब से कि उस बिल्डर्स के खिलाफ भू माफिया के खिलाफ सख्त मामला पंजीबद्ध कर और कार्रवाई की जाए। इस मामले में पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने लोगों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जमीन संबंधी जो फ्रॉड है उसके संबंध में शिकायत करने आए थे, ये भू माफिया के नाम पे इनका कहना था कि उनकी जो लैंड है वो उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है और आरोप लगा रहे थे, तो इसकी पूरी जाँच की जाएगी। जाँच में इसको जल्दी से जांच की जाएगी और बिल्कुल विधिवत कार्रवाई होगी, अगर दोषी पाए जाए तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहरहाल बिल्डर DM मंसूरी का नाम इसके पहले भी कई आपराधिक प्रकरणों में सामने आ चुका है, जिसके चलते पुलिस इस शिकायत को भी गंभीरता से ले रही है। सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सदर में एक ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा युवाओं ने उत्साहित होकर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान किया। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए भाजपा युवा मोर्चा द्वारा सदर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अशोक रोहाणी विशेष रूप से शामिल रहे। शासकीय अस्पतालों में भर्ती जरूरतमंद मरीजों को आसानी से ब्लड उपलब्ध हो सके, इसी मंशा के साथ युवा मोर्चा के 50 से ज्यादा सदस्यों ने उत्साहित भाव से रक्तदान किया। हमारे कार्यक्रम प्रभारी श्री राहुल कपूर जी के द्वारा आज यहां पर सदर पर रक्तदान शिविर का आयोजन कराया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्री GS ठाकुर जी उपस्थित रहे।
युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना है कि 7 अक्टूबर तक ये क्रम लगातार जारी रहेगा। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में समाज सेवियों द्वारा चलाए जा रहे हेल्पलाइन सेंटर को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। समाज सेवियों का कहना है कि पीड़ित मानवता की सेवा का ये क्रम लगातार जारी रहेगा जब तक मुसीबत पूरी तरह टल नहीं जाती। कोरोना महामारी के दौरान जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में मरीजों और उनके परिजनों की मदद के लिए डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंडल के सदस्यों ने एक हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया था जो अब तक चल रहा है। सेवा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर समाज सेवियों ने कहा कि मदद के लिए बनाया गया ये सेंटर आगे भी जारी रहेगा जब तक संक्रामक बीमारियों का कहर थम नहीं जाता। हेडगेवार स्मृति मंडल, ये तकरीबन 2 साल हो गए, 2 साल से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं हम लोग। जो कोविड के मरीज हैं, अदर मरीज हैं, जिनके ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, सतत जो है ना प्रयास हम लोग का ये रहता है कि सबको इलाज मिले, समुचित इलाज मिले और जो भी समस्या होती है इस मंच के माध्यम से सबकी सेवा करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े समाज सेवियों का कहना है कि मरीजों की मदद करके उन्हें आत्मिक सुख प्राप्त होता है। आरपीएफ का 37वां स्थापना दिवस रेलवे स्टेडियम में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित परेड भी आयोजित की गई। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। पश्चिम मध्य रेलवे के रेल सुरक्षा बल के 37वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रेलवे स्टेडियम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर आरपीएफ के जवानों द्वारा मार्च पास्ट किया गया और उसके पूर्व परेड का निरीक्षण कर महाप्रबंधक द्वारा सलामी ली गई। दृष्टिगोचर होते साथ ही साथ दृष्टिगोचर होते हुए रेल सुरक्षा बल परिवार के मुख्य महानिरीक्षक से प्रधान सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में आरपीएफ की स्थापना के उद्देश्य और उनकी कार्यप्रणाली सहित उनकी उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आरपीएफ को रेलवे की रीढ़ की हड्डी बताया है। रेल सुरक्षा बल द्वारा मार्च 2020 से लेकर अब तक कोरोना महामारी के समय मानवीय संवेदनायुक्त अत्यंत सराहनीय कार्य किए गए हैं। रेल सुरक्षा बल द्वारा लॉकडाउन के कठिन समय में कुल 2722 श्रमिक ट्रेनों के स्पॉटिंग करते हुए सुगम संचालन में अत्यधिक सराहनीय योगदान दिया है और लगभग 67,104 निराश्रित श्रमिकों एवं जरूरतमंदों को स्वयं के संसाधनों से भोजन उपलब्ध कराया है। महिला यात्रियों की सुरक्षित रेल यात्रा के लिए सुरक्षा बल द्वारा 15 अक्टूबर 2020 को ऑपरेशन मेरी सहेली प्रारंभ किया गया। आरपीएफ का ये 37वां स्थापना दिवस था और ये 20 सितंबर को मनाया जाना था। 20 सितंबर से 27 सितंबर तक के बीच में हमारे कई सारे कार्यक्रम चलते हैं और पूरे एक वीक का कार्य रहता है जिसमें वृक्षारोपण, साफ सफाई, अवेयरनेस कैंपेन रहता है और भी कई तरीके के रहते हैं। उसमें ही एक हमारा परेड का भी कार्यक्रम रहता है। तो आज जबलपुर WCR जोन का परेड कार्यक्रम था जिसमें GM WCR महोदय मुख्य अतिथि थे और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे सम्पन्न हुआ। समारोह के दौरान कालबेलिया, बैम्बू डांस सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने संविदा में नियुक्ति किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर मिशन कंपाउंड सिटी सर्किल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल शुरू कर दी।
बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने मिशन कंपाउंड स्थित सिटी सर्किल कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि ठेका कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 23 सितंबर को अधीक्षण यंत्री से चर्चा की गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आक्रोशित कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। आउटसोर्स के लिए क्या है, एक महीने मांगा था, हमको इस पर सम्मिलित करेगा, पर उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग उनके हड़ताल करने जा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिससे अपने ऐसे कहा जाए तो 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में ये हड़ताल का वो चल रहा है। ठेका कर्मचारियों ने मांगे पूरी ना होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। धन और वैभव प्रदान करने वाली मां लक्ष्मी की आराधना का पर्व महालक्ष्मी मंगलवार को भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा। बाजारों में हाथी पर बैठी महालक्ष्मी की प्रतिमाओं को खरीदने के लिए व्रतधारी महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। सभी महिलाएं महालक्ष्मी के पूजन को लेकर उत्साहित नजर आईं। मंगलवार को महालक्ष्मी पर्व पर विधि विधान से धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी की आराधना की जाएगी, जिसको लेकर व्रतधारी महिलाओं में उत्साह नजर आ रहा है। बड़े फुहारे सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में महालक्ष्मी व्रत में उपयोग होने वाली पूजन सामग्री के बाजार सजे हुए हैं और महिलाएं उनकी खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंच रही हैं। हाथी पर बैठी मां लक्ष्मी की प्रतिमा को खरीदने के लिए पहुंची महिलाओं ने बताया कि इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना करने से धन वैभव सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और यही वजह है कि महालक्ष्मी का व्रत सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। परिवार की सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए इस त्यौहार को भक्तिभाव से मनाया जाता है। मैं लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, इससे सुख शांति की प्राप्ति होती है, इसका बहुत महत्व है हिंदू धर्म में। ये कल है इसका पूजन, यहाँ लक्ष्मी जी लेने आए हैं, उनकी पूजा करेंगे। इसकी पूजा की जाती है लक्ष्मी जी की, नहा धो के 16 गाँठ रहते हैं धागे में और पूजा करते हैं, सुरा बनते हैं और आटा गोल जी सब रख के निकाला जाता है, पैसा रखा जाता है, मतलब पूजा का सारा सामान सुख समृद्धि के लिए। महिलाओं ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष महालक्ष्मी में उपयोग होने वाली पूजन सामग्री के दामों में थोड़ी वृद्धि हुई है। रामपुर मांडवा में स्थित एक दुकान पर कब्जा किए जाने की शिकायत कर प्रशासनिक अमले ने दुकान का कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान गोरखपुर तहसीलदार सहित निगम एवं पुलिस कर्मी मौजूद रहे। रामपुर मांडवा में स्थित शाहना बेग द्वारा आवेदक मनीष सक्सेना से दुकान किराए में ली गई थी, जिसके बाद से ही शाहना बेग द्वारा ना तो दुकान का किराया दिया जा रहा था और ना ही दुकान खाली की जा रही थी और आवेदक को लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद आवेदक ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश के बाद दुकान को खाली करवाया गया। मौके पर गोरखपुर तहसीलदार और गोरखपुर पुलिस के जवान उपस्थित रहे। अनुभागीय अधिकारी गोरखपुर के आदेशानुसार इनको जो है सूचना दी गई थी, अवसर दिया गया था कि अपना यह सामान निकाल लें, लेकिन इनके द्वारा सामान नहीं निकाला गया तो सार्वजनिक नोटिस दी गई थी इनको, उसके उपरांत आज ये कार्रवाई की गई। कौन थे ये यहाँ पे कब से थे? ये अनावेदक शाहना शेख और आवेदक मनीष सक्सेना रहे। निर्मला सक्सेना बड़ा फुहारा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठप होने का आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा लगाए गए डस्टबिन कुछ स्थानों से हटा दिए गए हैं, जिसके कारण कचरे के ढेर लग रहे हैं और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। बड़ा फुहारा में कुछ स्थानों पर कचरा फेंकने के लिए लगाए गए डस्टबिन गायब हो गए हैं, जिसके कारण व्यापारियों को कचरा फेंकने में काफी परेशानी हो रही है। डस्टबिन ना होने के कारण जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं और उनसे संक्रामक बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि कचरे वाले वाहन भी समय पर नहीं आते हैं, लिहाजा ढेर सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़े फुहारा में खादी आश्रम के बाजू में जो 3 बाल्टियाँ बड़ी वाली लगी थी, व्यापारी लोग दुकानों का कचरा वहाँ डालते थे, बाद में गाड़ी वाले उन कचरों को उठा के उसमें संग्रहित करते थे। आज सुबह जब देखा तो वो 3 बाल्टियाँ वहाँ से गायब थी, जिससे हम व्यापारी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और बड़ी परेशानी जाएगी।
ये हृदय स्थल कहलाता है। क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि लुटाई के माहौल मचा हुआ है, जब चाहे डब्बा लगाओ, जब चाहे डब्बा निकाल के ले जाओ। और इसकी एक बार हमने FIR भी दर्ज कराई थी, उसके बाद भी उस FIR के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उत्तर ये मिला था कि वहाँ पुनः लग जाएंगे, पुनः लगने के बाद ये फिर लगाए गए। अब आज यहाँ पर ये डब्बे आपने लगाए, वो डब्बे गए कहाँ? स्थानीय व्यापारियों ने क्षेत्र में डस्टबिन लगाए जाने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की है। धनवंतरी नगर से लापता हुई युवती का पता लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा से शिकायत की है कि ये लव जिहाद का मामला है, इस पर गंभीरता बरती जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को एक पत्र सौंप कर मांग की है कि धनवंतरी नगर से लापता हुई युवती का जल्द पता लगाया जाए। ये पूरा मामला लव जिहाद का मामला है। युवती को बहला फुसलाकर उसका अपहरण किया गया है। इस पूरे प्रकरण से समाज में आक्रोश व्याप्त है। सबकी तरफ से निवेदन करता हूँ SP साहब से, शासन से, कि जो है लड़की को जल्द से जल्द जो है सामने लाया जाए और आगे ऐसी घटनाएं घटित ना हो, उसके लिए कड़ा कानून तो बना है मगर अमल में लाने की आवश्यकता है, और जो है ताकि जो है आगे से ऐसी घटना। राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने कहा कि पुलिस को आरोपी का नाम भी बता दिया गया है, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये बात हैरत की है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर की टीम ने सोमवार को भोपाल में सहारा इंडिया के मुख्यालय में दबिश दी। जबलपुर में दर्ज धोखाधड़ी के मामलों में जांच के लिए टीम भोपाल पहुंची थी, जहां MP नगर में स्थित सहारा के मुख्यालय में छापा मारकर निवेशकों से जुड़े दस्तावेजों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इससे करीब 11 दिन पहले EOW की टीम ने जबलपुर कटनी स्थित सहारा के कार्यालयों में दबिश दी थी। अब तक EOW के सामने 25,000 से ज्यादा निवेशकों के 250 करोड़ रुपए फंसे होने की जानकारी सामने आई है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने सोमवार को भोपाल के MP नगर में स्थित सहारा के मुख्यालय में छापामार कार्रवाई की। EOW में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह, निरीक्षक SS धामी, जबलपुर में सहारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों की शिकायतों पर दर्ज किए गए धोखाधड़ी के 3 प्रकरणों के मामलों में निवेशकों से संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने भोपाल स्थित सहारा कार्यालय पहुंचे थे, जहां सहारा मुख्यालय में निवेशकों से संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। EOW के अधिकारियों की दबिश से सहारा इंडिया के मुख्यालय में हड़कंप मच गया। EOW जबलपुर में सहारा इंडिया ग्रुप के विरुद्ध उनके निवेशकों की राशि जमा करके और उनकी परिपक्वता की राशि वापस ना करने को लेकर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध किया गया था, उनकी विवेचना के दौरान आज सहारा इंडिया ग्रुप के जो जोनल ऑफिस है वो MP नगर भोपाल में, उस कार्यालय में न्यायालय से वारंट लेकर सर्च की कार्रवाई की गई है। सर्च के दौरान निवेशकों से संबंधित जानकारियां जुटाई गई हैं, उनकी जो राशि जमा है और जो राशि बाकी है उसके संबंध में जानकारियां जुटाई गई हैं। सहारा इंडिया ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, उनके डायरेक्टर्स के वगैरह की जानकारी जुटाई गई है और जो संबंधित गवाह हैं उनके भी कथन लिए गए हैं। अब इन सब जानकारियों का अध्ययन करने के उपरांत इसमें अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जबलपुर EOW ने निवेशकों की शिकायत पर सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा सहित अन्य लोगों के खिलाफ निवेशकों की जमा रकम न लौटाए जाने की शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। करीब 11 दिन पहले भी EOW ने कटनी, जबलपुर में सहारा इंडिया के ब्रांच ऑफिसों में दबिश दी थी। अब तक EOW को 25,000 निवेशकों के 250 करोड़ रुपए सहारा इंडिया में फंसे होने की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, लगातार निवेशक धोखाधड़ी की शिकायतें लेकर EOW कार्यालय में शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।